दोस्तों गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं आज के नए ब्लॉग पे। तो आज की शुरुआत हो रही है 7:30 बजे से, और आज का मौसम देखिए पूरा बहुत ख़तरनाक हो गया है। और मैं सानू को स्कूल छोड़ के तो आ गई, अब पता नहीं क्या होता है, अभी थोड़ी देर में लाना पड़ता है। पता नहीं बहुत बारिश वाला मौसम हो गया है, देख सकते हो आप। दोस्तों बज चुके हैं सुबह के 9:30, और नाश्ता पानी भी हमने कर लिया, बाहर का सारा काम कर लिया। मौसम भी ख़राब है तो बारिश तो लग नहीं रही है, खाली किड़मिड़ाहट ना को नहीं ऊन है। तो मैं आ गई हूँ अंदर, आज सारे कमरों में ऐसे अच्छे से झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। और देखिए सोमवार को मैंने जो कपड़े पहने थे वो भी ऐसे ही फेंके हैं, इनको भी ताज लेती हूँ। इसको धोती तो नहीं हूँ क्योंकि बारिश है तो अच्छा नहीं होता है, और पूरा कमरा तहस नहस हुआ है तो इसको भी सही कर लेती हूँ। सारे कमरे अच्छे से सेट कर लेती हूँ, और फिर अभी 10:30 बजे सानू आ जाएगी, क्या पता लेने भी जाना पड़े मौसम खराब होगा तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। रुद्दू 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 रुद्रा क्या कर रहे हो, रुद्रा क्या कर रहे हो, यहाँ देखो रुद्र रुद्रु क्या कर ले हो, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, उपात उपात कौन कर रहा है, उपात अब पहले जय कर दो, फिर चलो जय कर दो, जय करो, जय जय गल गलू जय गलू। तो कैसे देखो कैसे आ रहा है पास में, जय करो जय करो। भाई शाम के 4 बज चुके हैं और हम सो गए थे 3 बजे, तो मैं अभी उठी हूँ और उठ के सीधे चाय पी रही हूँ, चाय और बिस्किट खा रही हूँ। मिस्टी भी मैंने नीचे रखी है पागलों की तरह। और मौसम फिर से ख़राब हो गया है, देख सकते हो आप। बहुत ज़्यादा घास निकल गई है छोटी छोटी, सुबह भी मौसम ख़राब था अभी भी मौसम ख़राब है। अच्छा क्या जाए, बोर हो रही हूँ एकदम। और पता है मैंने उठ के मुँह भी नहीं धोया, मैं सीधे चाय पीने लेने लग गई हूँ, और ब्लॉगिंग बनाने के लिए भी कुछ भी नहीं मिल रहा है मेरे को आजकल। अब कहीं जाना पड़ गया मेरे को टूर में, तो दोस्तों कौन कौन चाय में बिस्किट डिप करके खाता है मेरे को जरूर बता रहा, मैं तो खाती हूँ। तो पहले पी लेती हूँ चाय, फिर मिलती हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों देख सकते हो भयंकर मौसम हो गया है, और देख सकते हो आप पूरा ख़राब हो गया मौसम पूरा ख़राब। हमारे सारे पेड़ पौधे भी यहाँ पर डल चुके हैं, और भयानक रौद्र रूप धारण कर लिया है मौसम ने। तो गाइज मेरी बेटी को पता चल गया कि मम्मा यहाँ आई है। क्या है बेटा आपके हाथ में, धीरे से आओ धीरे से आओ, क्या है दिखाओ। हाँ। क्या है ये, घोगा, घोगा दिखाओ तो एक बार अपना घोगा, मक्का बोलते हैं ये तो दड़ा है ही कहाँ इसमें घोगे के गुद्दे। तो दोस्तों ये ना कब से पीछे पड़ी थी, मक्का खाना है मक्का खाना है, जहाँ मक्के देख रही थी कह रही थी, अब हमारे हुए नहीं थे, एक लगा था इस पे तो दाने भी नहीं लगे, अब क्या होगा। वहाँ खेत में बो रखे ना मम्मी ने, अब वहाँ हो जाएंगे फिर खाओगे ठीक है। वहाँ बोए हैं मम्मा ने बहुत सारे, हो जाएंगे। हेलो गाइज बोल दे एक बार, हाँ पहले हेलो गाइज बोलो, हेलो गाइज कैसे हो,
एक बार बोल दे तो, हेलो गाइस कैसे हो दिए, देखो मैं मक्का खा रही हूँ, देखो ना बोलो ना, देखो छी छी। लाइट भी नहीं आई है, लाइट भी नहीं है। तो दोस्तों लाइट भी नहीं आई है और अब बनाते हैं सब्जी वगैरह, क्योंकि ना बहुत देर हो गई है। दिख रही हूँ नहीं दिख रही, पता नहीं कहाँ जा रही हो अब, आ जा। तो दोस्तों फाइनली मौसम थोड़ा ठीक हो गया है और नहीं यहाँ नहीं जाना है अभी। तो गाइस हमारे यहाँ आंगन में ना पूरा सीमेंट वाला ही, तो हमारे क्या कहते हैं वो बनाने मतलब फूल वूल लगाने के लिए कुछ नहीं था, मिट्टी वगैरह नहीं होती थी। तो ये देखो हमने सारा जुगाड़ कर करके यहाँ पे मिर्च भी बो रखी है, शिमला मिर्च भी बोई है, यहाँ पे कुछ दाल दाल मतलब जो यूज में आते हैं ना दवाई वगैरह वो बो रही है, बो रखी है हमने। यहाँ पे क्या कहते हैं ये है नारंगी का पेड़, फूल सब चीज बो रखे हमने यहाँ पे, और तो और मक्के भी बो दिए देखो जुगाड़ पे। और ना हमारे आम भी पकने लग गए, और ये रहा अंगूर का पेड़। और हमारी गाय बिक गई तो ना हमें घास मतलब एक ही दिन काटना पड़ता है, ज़्यादा नहीं काटना पड़ता है। और यहाँ पे देखो फूल, और देखो मिर्च हमारी मतलब इस पे इतनी मिर्च लग गई है ना, देख सकते हो हरी हरी बहुत मिर्च खा ली हमने। और यह है खजूर का पेड़, ये देखो खजूर का पेड़ लगाया हमने, हमने सोचा होता है नहीं होता है पर ये लग गया। अब इसको ना लगाना है, ये बहुत मुश्किल से निकलने वाला है, अब लगाएंगे बाद में। और यहाँ पे भी मक्के के पेड़, यहाँ पे फूल, और रात का मतलब शाम का व्यू देख सकते हो, मतलब अंधेरा हो गया है, फोन में थोड़ा फोन का मतलब थोड़ा वो है ना तो अच्छा दिख रहा है, पर पूरा अंधेरा हो गया है। और ये देख सकते हो हमारे यहाँ के फूल, अगर मैं यहाँ से गिरी ना तो हो गया। और हमारे लौकी के पेड़, यहाँ पे ककड़ी का पेड़, वहाँ पे गिट्ठे का पेड़, और कल सारी घास हमने यहाँ से काट ली है। तो अब ये जब तक चातुर्मास है तब तक तो साफ नहीं हो सकते हैं। और हमारा रिठे का पेड़, यहाँ पूरे अखरोट के बगीचे हैं, और केले के पेड़, यहाँ पे केले केले की एक घड़ी भी लगी है जिसको हम पहाड़ी वास में केला घर ले लग रहे। और देख सकते, और हमारा गुलाब को तो बड़ी लग रहा नहीं है। और यहाँ पे हमारी लौकियाँ भी लगी हैं, कल हम एक लौकी तोड़ के लाए थे, अभी एक और है। और यहाँ पे तोरई का पेड़ है, तोरई भी हमने काफ़ी खा ली है। और वहाँ है चाची जी, कुछ काम कर रही है वो भी। और शाम के नज़ारे पे हमारा सुंदर सा घर, और नीचे का ये वाला ना पूरा ख़राब हो गया, क्योंकि गर्मियों में हमारे जानवर यहीं पे रहते हैं तो ये पूरा ख़राब हो गया। इस बार हम इसको पूरा साफ़ करने वाले हैं, और ऊपर भी ख़राब हो गया क्योंकि 3 साल हो गए हैं हमने इसे बनाया नहीं है, क्योंकि कोई घर पे हुआ नहीं, मैं अकेले क्या ही जो कर लूँगी। और देख सकते हो यहाँ ये हमारा आम का पेड़ है पूरा, और दीदी की बन रही है किचन में सब्जी, और यहाँ देखी जा रही है मूवी। क्या गन्याल? हाँ हमारे देश का नाम, हाँ श्री हमारे देश का नाम क्या है? भारतवर्ष। हमारे प्रधानमंत्री का नाम क्या है? क्या है बताओ।
तो गैस इसकी ना सब श्रीमती कन्याली है, तो चलो अब थोड़ी देर इसको पढ़ा लेती हूँ और इसका भी आपको क्या वीडियो दिखाऊँ मैं। तो आज का ब्लॉग अब यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको पसंद आए, तो लाइक करें, कमेंट करें और नए नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप मेरे थ्रू क्या देखना चाहते हो, मेरे गांव के बारे में कुछ भी देखना चाहते हो या मेरे गांव के बारे में जानना चाहते हो या मेरे बारे में जानना चाहते हो, तो मुझे कौन से कलर का है कमेंट करें और सवाल पूछें। तो बाय बाय।